मॉर्निंग्स विद अवीगत। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर अपने नए लेक्चर में। तो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्लियर है? जो बच्चे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो आप लोगों को बता दूं, एमएससी फाइनल का पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस NA। इसे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का है ना, आपके सिलेबस का। हम लोग क्या कर रहे हैं, एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर आता है कि ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें। वैसे तो हमने पढ़ चुके हैं बीएससी में, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर में, लेकिन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें ये हम लोग एमएससी में सीखे हैं। तो ये वाला यूनिट पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा जाएगा और उसका सिलेबस आपको चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो देखो, ये इन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यूनिट फोर्थ का पार्ट है, ये हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाइए एक बार और देखो ना वहां पर कितनी सारी वीडियोस हैं ODE की, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करा है यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि आप लोगों के पास है इटरेशन मेथड, शेबेशेव मेथड, ठीक है। इस तरह के हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सा, रियल रूट निकालने के लिए इटरेशन मेथड, ठीक है। तो देखो, इटरेशन मेथड के दो लेक्चर हो चुके हैं हमारे। पहले हमने ODE का कंप्लीट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है और इसके भी दो लेक्चर हो चुके हैं। दो लेक्चर L1 और L2 दो लेक्चर हो चुके हैं यदि आप लोगों ने नहीं लिए हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इटरेशन मेथड को स्टार्ट ही किया था, तो बेसिक चीजें तो सारी यही आ गई, फॉर्मूला तो यही हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो हमने L2 में कर लिया, सेकेंड लेक्चर में कर लिया। तो आप लोग प्लीज ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इन लेक्चर्स के, आप लोग प्लीज ले लीजिए। क्लियर? तभी आज का क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं पता है, बेसिक चीजें नहीं पता है, तो कैसे समझ आएगी। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आज का आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ, पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट बढ़े, क्वेश्चन करने का मन तो करे, 2019 में आरआरबीएमयू में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा ना करने में, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है ना, ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आ जाए, ये रियलिटी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो रूट आपने फाइंड करना है x क्यूब माइनस 3.7 x स्क्वायर प्लस 6.25 x माइनस 4.069 = 0। हमें एक इक्वेशन दी, इसके बोल रहा है रूट निकालो, किससे, इटरेशन मेथड से। उसके बाद कह रहा है अप्लाई एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस टू एक्सेलरेट द कन्वर्जेंस। अब ये क्या है पूरा, देखो ये हम लोग पढ़े थे इटरेशन मेथड वाले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इटरेशन मेथड लगाएंगे और फिर एडकन डेल स्क्वायर प्रोसेस का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे जो इटरेशन मेथड से वैल्यू आई, मान लो वो 10 स्टेप आई, 10 अप्रोक्सीमेशन लगाए, तब कहीं जाकर वैल्यू आई इटरेशन मेथड से, तो उसको भी हम कन्वर्स, उसकी जो कन्वर्जेंस है उसे एक्सेलरेट करने के लिए, कन्वर्जेंस को बढ़ाने के लिए, मतलब स्टेप कम करने के लिए ही इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ का है कन्वर्जेंस को एक्सेलरेट करिए एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इटरेशन मेथड, पहले क्या फॉर्मूला होता है इटरेशन मेथड का, तो फॉर्मूला होता है xk+1 = φ(x)k, ठीक है। ये अप्लाई करना तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख लिए थे, आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो देखो, यहाँ हमें fx दिया गया है, क्या, x³ - 3.7 x² + 6.25 x - 4.069 = 0, ठीक है। ये हमें fx दिया है। आगे चलिए, यहाँ पर
फॉर्मूले में हमको फाइव एक्स के मतलब हमें फाइव एक्स चाहिए होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स आप लोग बनाइए एक इक्वेशन इसकी हेल्प से। तो यहाँ से हमारे पास कई तरह के एन बनाने के, इस एक्स से भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेकर भी बना सकते हैं, फिर अंडर रूट लगा देंगे, या फिर एक्स कॉमन लेके भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तीनों से लेकर बताया था, तीन चार जो भी अपनी बन रही थी, ठीक है, कितने भी तरह से हम एक्स की है निकाल सकते हैं फाइव ऑफ एक्स फॉर्म, लेकिन सभी तो हम कर करके नहीं दिखेंगे, सभी को कोई ना हम ऐसे कर करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि किसके लिए फाइव डस एक्स का मोड लेस देन वन आ रहा है, जिसके लिए ये आएगा उससे हम लोग उसको फाइव एक्स लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही था ना प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लियर करा था। यदि चीजें समझ नहीं आ रही तो स्टूडेंट्स प्लीज प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, क्योंकि पुराना है, हो सकता है पुरानी चीजें थोड़ी सी छूट जाए, क्योंकि वो चीज तो हम पढ़ चुके हैं ना। यही रहता है माइंड में पढ़ाने वाले के कि आप लोगों को पता है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं यही उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पता है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस चीजें फिर रिपीट करेंगे फिर रिपीट, ऐसा तो नया कुछ सीखेंगे नहीं। तो ऐसा तो है नहीं हम यहाँ से निकालते देखते जाए और फिर ये चेक करें, बहुत टाइम चल जाएगा क्वेश्चन भी सॉल्व करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं कॉमन वाले से। एक क्वेश्चन दिए ना, यहाँ से एक बार एक्स कॉमन लो, इक्वेशन हमको क्या दिया है, देखो इक्वेशन यहाँ लिखा ही पड़ा है, इसमें से ही देख लो एक बार, यदि मैं एक्स कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स प्लस 6.25 और ये माइनस ये है, इसको इधर भेज दो तो ये लोग इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से मुझे x का वैल्यू होता है ना, x का वैल्यू ये 4.069 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3.7 x प्लस 6.25, यही हमारा है phi of x। क्या ये x का फंक्शन नहीं है, x के फंक्शन को मैंने क्या दिया phi x, बन गया x इक्वल्स टू phi x वाला फॉर्म, यही हमें बनाना होता है। अच्छा जी, इसको तब यूज कर सकते हो तुम जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को, एक तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी होती है फर्स्ट, और दूसरा हमें चूज करना पड़ता है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था x बराबर 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3 कुछ भी ले लो और ये एफ एक्स का वैल्यू निकालो उस पर। तो मैंने एफ वन एक्स बराबर 1 लिया, तो एफ वन क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए 1 का क्यूब 1 - 3.7 एक है, कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा, 6.25 -4.069, ठीक है, इसको वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आएगा -0.519, ठीक है, ध्यान से देखिएगा माइनस में है ये वैल्यू, ठीक है। यदि अब मैं F2 निकालूं तो यहाँ से क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3.7 को मल्टीप्लाई करना 4 से प्लस 6.25 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 4.069। यदि इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये आता है पॉजिटिव 1.631। तो मैंने आप लोगों को बताया एक माइनस आ जाए एक प्लस आ जाए, अल्टरनेट साइन आना चाहिए प्लस के बाद या फिर माइनस आ जाए, माइनस के बाद माइनस आएगा तो नहीं चलेगा, तो आगे भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही रुक जाओ माइनस के बाद प्लस आ गया, रुक जाओ अल्टरनेट साइन आ गए, तो इसका मतलब है तुमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू चूज करी है ना कोई एक रूट इन दोनों के बीच में लाए करेगा, थस वन रूट ऑफ इक्वेशन जो भी आप लोगों के पास गिवन इक्वेशन है लाए बिटवीन बिटवीन 1 और 2 एक और दो के बीच में, इन दोनों ये जो एक और दो है इनके बीच में जरूर भैया इस इक्वेशन का एक रूट लाए करेंगे, कंफर्म हो जाता है यहाँ से, या फिर आप लोग लिख सकते हैं लाए इन इंटरवल 1, 2, ठीक है, कैसे लिख लेना, लाए इन इंटरवल 1, 2, ठीक है, ये लाइन लिखो चाहे नीचे वाली लाइन लिखो जो मर्जी हो लिखो, ठीक है। तो यहाँ से हमको
एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है जो कि हमारी सेकंड नीड थी, कैसे निकालते हैं, जो भी आप लोगों ने लिया है ना यहाँ से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को मैं मान रही हूँ एक्स नोट से, कैसे निकालेंगे जो भी आए वन और टू है उसका ले लो एवरेज, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिल गया, अब तो क्वेश्चन हो गया पूरा। प्रीवियस लेक्चर लेकर आया था आप लोगों को पता होगा, अब तो क्वेश्चन हो गया कुछ भी नहीं है इतना, सिर्फ यही चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी थी, एक तो ये वाली जो कि अभी चेक करनी है और एक ये तो हमारा निकल ही गया। ठीक है, अभी सेकंड चीज चेक करते हैं, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 5-x निकालिए, 5-x क्या होगा 1/ ये वाली टर्म है तो इसका करिए आप लोग एंट्री सॉरी डिफरेंशिएशन, ठीक है 1/x की टर्म है, डिफरेंशिएशन कीजिए क्या आएगा 4.069/1/x कुछ उस टाइप की है, तो क्या होगा -1/x2। ठीक है, आप लोगों ने पता है ना 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x2, तो नीचे x वाला टर्म है तो क्या हो जाएगा -इसका स्क्वायर क्या है x2 -3.7x + 6.25। ठीक है, अब जो नीचे टर्म है उसका कर दीजिए तो x2 का क्या हो जाएगा 2x -3.7x का एक हो गया और ये 6.25 कांस्टेंट है 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से यदि मैं वैल्यूज रखना चाहूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x की वैल्यू पुट करो 1 और 2 के बीच में कुछ भी, यहां पर 5x हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पर यदि मैं x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी पुट करूं, ये वैल्यू भी आ जाएगा इसमें, ये वैल्यूज भी आ गए। ठीक है, यदि मैं कुछ भी पुट करूं यहाँ पर तो जो ये वैल्यू आएगा आप लोग कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेटर में कुछ भी वैल्यू रख लेना, यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा करो 1.5 ही रख के देखो x की जगह और सॉल्व करोगे तो वहां पर आप लोग देखोगे 5x का मोड जो है वो आएगा <1 एक से कम आएगा, करके देखिए इसको, मैंने खुद ने करके देखा तभी बता रही हूँ। ठीक है, यही तो हमारी कंडीशन थी, तो इसका मतलब ये वाला जो तुम्हारा 5x है इसे ले सकते हो। क्या ऐसा हमेशा होगा? यदि ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को, इसमें हमने चेक ही क्या करा, तो प्लीज जस्ट प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, वहां आप लोगों को सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हमने वहां पर ऐसा 5x भी निकाला था जिसके लिए मोड ऑफ 5x ग्रेटर देन 1 आ रहा था, ग्रेटर देन 1 आ रहा था, 1 नहीं आ रहा था, 1 से कम नहीं आ रहा था, लेस देन नहीं आ रहा था, ग्रेटर देन आ रहा था। ठीक है, यदि कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर ले लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो चीज हमें चेक करनी होती है, वो हमारी चेक हो गई, ये 5x ये वाला 5x आप आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को x नॉट निकालने का तरीका बता दिया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वाला टर्म बता दिया, और यहाँ पर थर्ड चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि कितने इटरेशन हमें निकालने हैं, कितने अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, कितनी बार ये फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने आपसे कहा था एमएससी की क्लास है 10 से 15 बार तो भैया लगाने पड़ेंगे, 10 से 15 बार लगाने पड़ेंगे, इससे पहले आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि इजी क्वेश्चन आता है तो कई बार क्या 10 अप्रोक्सीमेशन में आ जाता है आंसर। तो देखो यहाँ पर यदि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने आपसे कहा या तो एवरेज से निकाल लो, या फिर देखो एक तरीका और है, आप लोग इस तरह से सोच सकते हो, हम लोग रूट निकालना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग रूट निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं कि हमने माना ये वाले वैल्यू से कुछ ना कुछ आगे पीछे इसके आसपास होगा, है ना, अप्रोक्स वैल्यू मान लिया अपने इस रूट का, तो रूट का मतलब क्या होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू भैया जिस पर कि इस इक्वेशन में वैल्यू रखू वो एक्स की तो 0 आ जाए, है ना, ये तो मतलब होता है, यानी कि x0 का वैल्यू तुम 1.5 रख रहे हो fx में, यानी कि इस इक्वेशन में, है ना, fx में यानी कि इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर ये लगभग 0 के बराबर आ रहा है, रख के देख लो, विश्वास नहीं हो रहा, लगभग ये 0 के बराबर आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी अभी। और यदि मैं f 1.4 का वैल्यू निकालू,
यदि मैं एक्स नॉट 1.4 ले लू तो यहां से निकाल के देखो, एक तो एफ 1.4 और एक निकालो एफ 1.5, जिस जो भी जीरो के ज्यादा पास आ रहा है ना आप उसे एक्स नॉट लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को कैलकुलेट करा है, मैं बता देती हूँ एफ 1.4 आता है आप लोगों के पास 0.173, मैंने कैलकुलेट करा है आप लोग करके देखो। ठीक है, और F 1.5 आता है आप लोगों के पास 0.356, डेसिमल के एक प्लेस तक ही देख लो, 0.8 और 0.3 है, कौन सा जीरो के ज्यादा पास है? अरे भैया ऑब्वियसली 0.8 ज्यादा पास है, तो चाहो ना तो इसे भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, इससे जल्दी आंसर आएगा। आप रूट के ज्यादा करीब पहुंच गए यहां से, और यहां से दूर है, यहां से देख तो सकते हो जीरो के जो ज्यादा पास है भाई वही ज्यादा अपने रूट के पास है, क्योंकि रूट का मतलब तो वैल्यू जीरो ही हो जानी है, और ये जीरो के पास आ रहा है इसका मतलब जीरो की ओर कन्वर्स कर रहा है, समझ आया? इसको लेकर चलोगे ना जल्दी आंसर आएगा, करके देखना, मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, समझ आया? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका सबसे बढ़िया है, इन दोनों का एवरेज ले लो, यदि ऐसे ज्यादा स्टेप लग रहे हैं आप लोगों को आइडिया लग जाता है जब क्वेश्चन करते हैं ना, उसी पे बेस है सब चीज, अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैंने कहा एवरेज ले लो, उससे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। यदि आप लोग चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल्दी आंसर डालना, तो 1.5 आ रहा है तो 1.4 या 1.3 रख के देखो एफ एक्स में, जो जीरो के ज्यादा पास आए उसी को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लेना, 1.5 की जगह 1.4 लेके करो जल्दी आंसर, करके देखो, खुद ने करके देखा तभी बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया, तो वही फॉर्मूला लगाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? इटरेशन मेथड लगाने के लिए हमें भैया फाइव एक्स चाहिए, तो वो अवेलेबल है और इसको आप लगा सकते हो क्योंकि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इटरेशन, द इटरेशन मेथड इज क्या है, फॉर्मूला एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के। ठीक है, फाइव एक्स आप लोगों के पास है तो यहाँ पर x की जगह xk चाहिए, तो भैया जहां भी x है उसकी जगह xk लिख दो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4.069 अपॉन xk का स्क्वायर माइनस 3.7 xk प्लस 6.25। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकंड इस तरह से निकालने सीधे सीधे, तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? देखो कई बुक में आपको n को लेकर सॉल्व मिलेगा, k की जगह n लिख लेते हैं और कुछ भी नहीं, उससे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x n प्लस वन इज इक्वल टू ये वाला 4.069 अपॉन एक्स एन का स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स एन प्लस 6.25। अब निकालते जाइए भैया, जो नोट करना है आप एक बार नोट करिए, ये सब चीज जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आप लोगों को बता दी है, अब फटाक से नोट करिए और मैं निकालती हूँ अप्रोक्सीमेशन, वीडियो पॉज करो नोट करो। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिख देते हैं, क्या ले रहे हैं, निकाला था ना एक्स नॉट बराबर 1.5 लेके चल रही हूँ, 1.4 से आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट बराबर 1.5, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एन की जगह जीरो लिखोगे तभी एक्स वन आएगा, तो एन की जगह जीरो पुट कर दो यहां भी, तो क्या आ जाएगा 4.069 अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 3.7 एक्स नॉट प्लस 6.25। बहुत इजी है, पता है कुछ भी नहीं है, इटरेशन मेथड के क्वेश्चन में, क्वेश्चन से तो हमने फॉर्मूला बना लिया, सीधा सा तो फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। अब देखो एक्स नॉट का क्या वैल्यू नहीं है, हैगा 1.5, तो यहाँ पर पुट करो अपॉन 1.5 का स्क्वायर माइनस 3.7 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 6.25। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, सॉल्व कर दो, कहाँ दिक्कत है? इसी तरह से सेकंड अप्रोक्सीमेशन एक्स टू निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल देंगे जी, टू का मतलब है एन की जगह एक लिखा है, तो यहाँ पर एक एक लिख दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? 4.069 अपॉन एक्स वन का स्क्वायर
3.7 x1 प्लस 6.25, x1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, उसे लिखो और सॉल्व कर दो। इसी तरह से आप लोग x3 निकाल लेंगे, ठीक है, x3 के लिए नीचे क्या आ जाएगा, x2। इसी तरह से हम लोग निकालते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो मैं निकाल के लिख देती हूँ वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद। देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोई कोई भी मतलब अदर ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्लैम्बी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी भैया, एमए का पेपर चूज किया है तो, ठीक है। तो देखो x1 का वैल्यू आ जाएगा 1.37932, x2 का 1.33452। इसी तरह से मैंने ये वैल्यूज निकाले हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ क्या लिखा है, यदि कोई भी डिजिट समझ नहीं आ रही हो। 1.31546, 1.30700, 1.30319, 1.30145, 1.30066, 1.30030, 1.30014, 1.30006, 1.30003, 1.30001 और 1.30000, 1.34 times 0। तो यहाँ हमें रुक जाना है, क्यों? क्योंकि दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सेम आ गए। जब दो अप्रोक्सीमेशन सेम आ जाए तब रुक जाओ, इसका मतलब यही अपना आंसर है, समझ आया कहाँ रुकना है। तो देखो यहाँ हमें 14 तक करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 10 से 15 अप्रोक्सीमेशन आप लोगों ने निकालने पड़ेंगे, एमएससी की क्लास है। 14 पे रुक गए, एक स्टेप एक कम हो गया है ना, इतने आप लोगों ने स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इस इक्वेशन का ये वाला एक रूट है करेक्ट, कहाँ तक है, 5 डेसिमल तक, क्योंकि दोनों की वैल्यूज देखे तो 5 तक मैच कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5। हेंस द रूट इज 1.34 times 0 करेक्ट अप टू 5 डेसिमल। क्वेश्चन में कई बार कह देता है कि करेक्ट अप टू 6 डेसिमल, 4 डेसिमल तक निकालिए, तो हमने यहाँ पर बिन कहे बता दी है कि दे दे तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, ये अपना 5 डेसिमल तक सही है, ठीक है, मैच कर रहा है, बस हो गया। ये तो क्यूबिक इक्वेशन है ना, 3 रूट निकालो। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ, यहाँ इसने हमसे यू नहीं कहा फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ इसने हमसे कहा फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम एक रूट ही निकालते हैं इटरेशन मेथड वाले क्वेश्चन में। यदि आपसे कहीं दे दे कि ऑल रूट सारे के सारे निकालो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 निकालने ही पड़ेंगे। क्लियर हुआ 3 कैसे निकालेंगे? तो अभी तक मैंने 5x लिया है ना, आपको उस तरह से नहीं, फिर किसी अदर तरीके से लीजिए, जैसे x से ले लीजिए, इन दोनों को इधर भेजा और x निकालने के लिए 6.25 का नीचे डिवाइड दे दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, उससे जितने भी 5x बन गए थे मैंने सबों को डिस्कस किया था, इसलिए थोड़े प्रीवियस लेक्चर ले लूंगा, ज्यादा आसानी रहेगी समझने के, समझ आया यहाँ तक। चलो आगे हमसे कह रहे हैं डेल स्क्वायर प्रोसेस और लगाओ, कन्वर्जेंस को एक्सेलरेट करो। तो यहाँ आप लोग देखना 14 मेरा क्या आंसर है ना, अब देखना हम कैसा एक्सेलरेट करते हैं इसकी कन्वर्जेंस को, मतलब कितने कम स्टेप में आंसर निकाल देते हैं इसकी हेल्प से। चलो इसे नोट कर लो एक बार, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला वगैरह। देखो अब आता है अपना एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो इसके लिए हमें शुरू के 3 अप्रोक्सीमेशन मानने पड़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने निकाले थे अप्रोक्सीमेशन, निकाले ना x नॉट x1 x2 x 14 तक निकाले, उन्हीं में से हम लोग 3 अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। x नॉट ले लिया 1.5 जो कि अपन ने माना था, x1 निकाला और x2 निकाला था वो अपन ने ले लिया। अब यहां से अपन देखो एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को फिर बोलूंगी, जो इससे पहले के 2 लेक्चर है ना उन्हें ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने उसी में सब कुछ बताया है, यहाँ पर तो सिर्फ हम यूज कर रहे हैं। तो देखो एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस क्या था, यदि एक्स आई कोई रूट है ना, जैसे अपन ने अभी रूट निकाला ना, आंसर जो आया था एक्स आई कोई रूट है, तो एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस होता है एक्स जे प्लस 1 माइनस डेल एक्स जे का स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एक्स जे माइनस 1। अब यहाँ देखो आप लोगों के पास 3 तो ले लिया ना, तो तीसरा क्या आएगा x3, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब x3 आएगा, तो 3 आएगा। तो यहाँ पर मैं एक्जाय को लिख रही हूँ x3 स्टार से लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले भी हम लोग लिखे थे x1 x2 x3 तो अलग लगे इसलिए स्टार लगा दिया है। क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर अपने पास x क्या है j प्लस 1,
फिर उससे कम और फिर उससे कम, तो एक्स थ्री स्टार क्या हो जाएगा, एक्स टू इससे कम माइनस जे प्लस वन से कम फिर जे, यानी कि डेल एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन जे प्लस वन जे फिर इससे कम जे माइनस वन फिर डेल स्क्वायर एक्स नॉट, देख लो ना जे माइनस वन फिर जे प्लस वन जीरो एक दो, ये फॉर्मूला है अपने एटकन डेल स्क्वायर का, ठीक है ये तो जनरल फॉर्मूला था। अब ये कैसे निकालते हैं, तो ये मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता चुकी हूँ, ये आप लोगों ने उसी लेक्चर में देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला अपन का है, इससे अपन ने ये फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, यहाँ पर हमें ये सब चीज जरूरी है चाहिए, तो ये निकालो एक्स टू तो चलो पता है, ये तो निकालो कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले, है ना, यहाँ मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बता रही हूँ कैसे निकालना है। तो द फॉरवर्ड डिफरेंस ये तो पता है ना, ये फॉरवर्ड डिफरेंस को बताता है और ये बैकवर्ड डिफरेंस को बताता है, बीएससी में पढ़ा है अपन। तो द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज कैसे, एक्स नॉट लिखो एक्स वन लिखो एक्स टू लिखो, ठीक है ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 1.37932 और ये अपना वैल्यू है 1.33452। पहले निकालिए डेल एक्स नोट डेल एक्स वन कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले वाले लेक्चर में, है ना, इससे पहले के जो दो लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, लेकिन उन्हें याद मत रखो कोई बात नहीं, यहाँ देखो तरीका समझा रही हूँ, पिक्चर समझ लेना एक बार, तो समझाना चाह रही हूँ सारे क्वेश्चन बताएंगे। डेल एक्स नॉट ऊपर वाले का डेल है क्या, हाँ जी नीचे वाले में से घटा दो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, अच्छा जी बिल्कुल इसमें से इसको कर देंगे क्या दिक्कत है, डेल एक्स वन ऊपर वाला चाहिए क्या, इसमें से इसको हटा दो बिल्कुल हटा देंगे कैलकुलेटर है उसकी हेल्प से, इसमें से इसको माइनस, ठीक है ये वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालना है, डेल स्क्वायर एक्स नॉट, डेल एक्स वन चाहिए यहां से निकल जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स नॉट चाहिए यहां से निकलेगा, ये कैसे निकालते हैं, ये एक्स टू ध्यान से सुनिएगा एक्स टू प्लस एक्स नॉट और बीच वाले को माइनस कर दो टू से मल्टीप्लाई करके टू एक्स वन, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो एक्स नॉट और एक्स टू को जोड़ो माइनस कर दो बीच वाला टू एक्स, बस ऐसी पिक्चर याद रखना जो मैंने बताई है, जनरल फॉर्मूला देखना चाहते हो तो इटरेशन मेथड का जो पहले वाला लेक्चर है उसको ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कैलकुलेट करो सिंपल सा वैल्यूज पुट करो, ठीक है मैं लिख देती हूँ वैल्यूज, देखिए ये अपने पास आ जाएगा डेल एक्स नॉट माइनस 0.12068 माइनस 0.04480 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.07588, सारी वैल्यूज आ गई, एक्स थ्री स्टार निकाल दो क्या आ जाएगा, एक्स टू का वैल्यू 1.33452, ठीक है माइनस डेल एक्स वन ये रहा क्या है माइनस 0.04480, इसका स्क्वायर करना है अपॉन में क्या है डेल स्क्वायर एक्स नॉट ये रहा 0.07588, कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स थ्री स्टार, ठीक है मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या वैल्यू आती है, ये आती है तकरीबन 1.30807, ठीक है हमें इसके बाद की वैल्यूज भी निकालनी है, यदि वो सेम आ जाती जब तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना, और नहीं तो हमें आगे भी करना पड़ेगा, आंसर तो हमें मालूम है ना, हमने निकाला था इटरेशन मेथड से, हमें तो वही आंसर लाना है एटकन डेल स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हमें एक ही बताओ, तुम्हें एटकन डेल स्क्वायर के लिए लगाने के लिए पहले की तीन वैल्यू चाहिए थी, जैसे एक्स थ्री स्टार निकालना था तो 0, 1, 2, 3 तीन वैल्यू चाहिए थी, है ना, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर कौन सा वैल्यू निकल सकता है, एक्स थ्री के बाद अब तुम निकालोगे एटकन डेल स्क्वायर से एक्स सिक्स स्टार, क्योंकि इससे पहले की जो आपको तीन वैल्यू चाहिए x3, x4, x5, तो x3 तो है ही, x4 और x5
चाहिए हम वैल्यूज, ठीक है। एट कैंडल स्क्वायर के लिए याद रखिएगा एक्स थ्री आ गया, इसके बाद एक्स सिक्स आएगा, उसके बाद आएगा आप लोगों के पास एक्स नाइन, ठीक है, क्योंकि पीसे की तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं, और जो कि हम इटरेशन से निकालते हैं, इटरेशन से तो निकाली थी ना ये अपन ने, उसके बाद एड कंडल स्क्वायर लगेगा, तो इसके बाद अब एड कंडल स्क्वायर एक्स सिक्स में लगेगा, तो इसके लिए मुझे बताओ किसका फॉर्म कैसे बनेगा फॉर्मूला, यहाँ से देख लो ना, तीन दो एक जीरो इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे छह है तो क्या हो जाएगा एक्स पांच माइनस डेल एक्स चार का स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एक्स तीन, एक्स तीन स्टार, एक्स तीन स्टार है ना, ये वाला लेंगे। तो अब ये एक्स फोर और एक्स फाइव कैसे निकालेंगे, एक्स फोर और एक्स फाइव निकाली तो थी इटरेशन मेथड में, वो यूज नहीं करनी है भैया। अब हम दोबारा वैल्यू निकालेंगे, अब अपने पास नई वैल्यू आई है ना, इसका यूज करके निकालेंगे एक्स थ्री स्टार का वैल्यू। तो देखो यहाँ पर एक बार ये आप लोग देख लीजिए, मैं रफ करूंगी है ना, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं यहाँ पर। अब देखो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया है, देखिए अब यहाँ पर हमें दोबारा क्या क्या चाहिए, एक्स थ्री स्टार तो है एक्स फोर और एक्स फाइव निकालेंगे, तो एक्स फोर के लिए इटरेशन मेथड वाला क्या था अपने पास याद नहीं है, एक्स एन प्लस वन क्या था 4.069 अपॉन, यहीं से बना लो ना, एक्स एन स्क्वायर माइनस 3.7x प्लस 6.25, यही नहीं था क्या, आप लोगों ने एक्स फोर चाहिए यानी एन की जगह तीन, तो 4.069 अपॉन एन की जगह तीन, तीन कौन सा वाला लेंगे एक्स थ्री स्टार वाला, ये याद रखना है मुझे, ठीक है, इसका स्क्वायर है माइनस 3.7 एक्स थ्री स्टार प्लस 6.25, सिर्फ एक्स थ्री स्टार की वैल्यू रखनी है तो स्क्वायर कर देना है या सीधे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू रखिए, यहाँ से एक्स फोर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक्स फाइव निकाल लेंगे 1.069 अपॉन क्या आ जाएगा, अब x4 इसको मत देखो दोबारा, यहीं से देखो, चार से एक कम ही तो हुआ है, पांच से एक कम हो गया चार, वहां नहीं देखना है बार बार, वहां टाइम वेस्ट होता है, यहीं से 6.25 x4 स्टार नहीं आएगा, अब अपन स्टार से नहीं शो कर रहे, स्टार से सिर्फ हम वो शो कर रहे हैं जो एटकन डेल स्क्वायर से निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां से सीधा x4 आएगा और यहां से सीधा x5 आएगा, स्टार नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है, तो x4 यहाँ से आप लोग जो निकालेंगे उसे यहाँ पर यूज कीजिएगा और x5 आ जाएगा, तब ये दोनों टर्म आ जाएंगी, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, क्या ये नहीं निकाल सकते, अच्छा आप लोग इन्हें कैलकुलेट करिए, मैं भी वैल्यू लिख देती हूँ कैलकुलेट करके, देखिए अपने पास x4 आ जाएगा 1.30367, ठीक है, बस उसी तरह से हम लोगों ने अब दोबारे अगेन लेट अस टेक थ्री अप्रोक्सीमेशन एज, तीन अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने फिर ले लिए, ये तीन है, ये अप्रोक्सीमेशन लिखा है ना, फुल फॉर्म नहीं लिखा है, किस तरह से एक्स थ्री स्टार, ये वाला एक्स फोर और ये एक्स फाइव, ठीक है भाई, अब क्या बनाएंगे, पहले वाले की तरह फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज कैसे, यहाँ पर एक्स थ्री देखो स्पेस नहीं है, आप लोगों ने ये लिखा एक्स थ्री का तो हो गया ना पूरा, मैं इसको यहां से रफ कर रही हूं, ठीक है, देखो यहाँ पर अपन टेबल बनाते हैं अपनी किस तरह से बनेगी, तो यहाँ पर वही एक्स थ्री स्टार, यहाँ पर एक्स फोर और यहाँ पर एक्स फाइव, यहाँ पर डेल एक्स थ्री स्टार कैसे निकालेंगे, x4 में से x3 स्टार को माइनस करके, ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या आता है इन दोनों के बीच में डेल x4, तो x5 में से x4 को हटा दो, वैल्यूज है यहाँ पर तीनों, ये वैल्यूज को देखो बस और कुछ मत देखो और यहाँ पर माइनस करते जाओ, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डेल x3, डेल स्क्वायर x3 चाहिए, अच्छा जी डेल स्क्वायर एक्स थ्री स्टार चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो
और माइनस कर दो बीच वाले को, टू से मल्टीप्लाई करके, यही था ना। तो भैया एक्स फाइव प्लस एक्स थ्री का स्टार माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है बीच वाला, यानी कि टू एक्स फोर। क्लियर हुआ? मैं आप लोगों को दोबारा बोल देती हूँ, लो एक बार रुको, एक सेकेंड रुको, बस इसको कुछ अच्छे तरीके से लिख देते हैं। ये अपने पास एक्स फाइव है, ये बीच वाला माइनस कर दिया, सारी वैल्यूज आप लोगों के पास है, ये एक्स पांच है, ये रहा, सारी वैल्यूज है, ये निकालो, कहां दिक्कत है। डेल स्क्वायर एक्स थ्री स्टार आ जाएगा, यहाँ पे रख देना, डेल एक्स फोर आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना, एक्स फाइव है तो यहाँ से एक्स सिक्स स्टार क्या आ जाएगा, मैं सारा कैलकुलेट करके लिख देती हूँ, आप लोग करिए, मैच करेंगे फिर। देखिए यहाँ से अपना डेल एक्स थ्री स्टार आ जाएगा माइनस 0.00440 माइनस 0.00200 डेल स्क्वायर एक्स थ्री स्टार 0.00240 भैया सारी वैल्यूज आई यहाँ पे रखी तो एक्स सिक्स स्टार हमें मिला 1.34 टाइम जीरो। यही तो अपना आंसर था, यही तो अपना ट्रेशन मेथड से आया था। यानी कि हम लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं इस प्रोसेस से, एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस से, मेथड से, अपना छह अप्रोक्सीमेशन में ही, सिर्फ और सिर्फ छह अप्रोक्सीमेशन में छह ट्रेशन में आंसर मिल गया, जो कि करेक्ट है अप टू 5 डेसिमल। क्लियर हुआ? ये पूरा प्रोसेस स्टूडेंट्स इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझ सकती थी, हर छोटी से छोटी चीज बताइए। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी मतलब छुटकू सा भी अच्छा लगा हो ना लेक्चर, तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके बाद क्या लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पर, थस लास्ट में लिख दीजिएगा, थस द रूट 1.34 टाइम जीरो करेक्ट अप टू 5 डेसिमल्स इज ऑब्टेन ओनली इन 6th इटरेशन, सिर्फ और सिर्फ 6 इटरेशन में, 6 अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास मिल जाता है बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से, ये प्रोसेस इस प्रोसेस से। क्लियर हुआ, समझ आया? तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ छोटी से छोटी हर चीज बता दी है, अब आप लोगों के पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो नहीं हो रहा है एक बार बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्लियर? और किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी में है ना, RRBMU में, मैं आप लोगों को और सर्च करके बता दूंगी, उन्हें कर लेंगे। इक्वेशन मेथड से तो अब कोई क्वेश्चन आ जाए छूटने वाला नहीं है, गारंटी है। तो आप लोगों को जो नोट करना है कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका प्रॉफिट है, सारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बस, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।